हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में आई सीधी और बड़ी भर्ती की। दोस्तों कोटक बैंक की तरफ से बड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है पूरी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और रोजाना लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भर्ती आ चुकी है, 10वीं पास कम से कम क्वालिफिकेशन है। दोस्तों अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी क्वालिफाई कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिल रही है 43,000 से प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी, और यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती के तहत आपका सिलेक्शन होगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल इंडिया की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इस वैकेंसी की जानकारी और आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट को गूगल में सर्च करें, www.tipswaralbus.xyz। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, यहां पर आप जाकर के भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक की वैकेंसीज आ चुकी है, यहां पर आप देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। डीलर वन की वैकेंसी है, टीम मेंबर की है, क्लस्टर मैनेजर की है, और यहां पर आईबीएल सिटी मैनेजर की है, बीएल सिटी मैनेजर की है, सीएम की है, वॉइस की है, ब्रांच असिस्टेंट डीलर की है, और अदर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यहां पर टोटल 1000 से भी अधिक वैकेंसीज है, ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद आपको पर्सनलिटी और प्रोफाइलर के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, और यहां पर प्रपोजल होगा, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, हैंडसम सैलरी, अक्रॉस इंडिया की जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 60 साल है, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री बी बीटेक बीकॉम एमकॉम सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहां पर बताया गया है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इसके आवेदन का लिंक भी दिया गया है नोटिफिकेशन के साथ में। आपको सबसे पहले दोस्तों यहां पर सिंपली करना क्या होगा, न्यू यूजर पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन का और सेकंड होगा न्यू यूजर का। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे, और आपको करना क्या होगा, यहां पर आपका यूजर नेम आपको डालना होगा, क्रिएट करना होगा, पासवर्ड डाल के क्रिएट करना होगा, री एंटर करना होगा पासवर्ड को, ईमेल आईडी डालना होगा, और फिर से ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, लॉगिन करना होगा, जो यूजर आईडी आपने बनाया है और वो पासवर्ड आपने जो बनाया है वो आपको यहां पर डालना होगा, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर आपकी प्रोफाइल जो है क्रिएट कर लेनी है, आपका जो रिज्यूम है लेटेस्ट अपडेट का वो आपको यहां पर अपलोड कर देना है। जैसे ही दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर नई भर्तियां आती है वैसे ही आपको यहां पर शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा नई भर्तियों के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें यहां पर और भी नई वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा, यहां पर न्यू यूजर पे आपको क्रिएट करना होगा आपका अकाउंट, और उसके बाद में आपको यहां पर सिंपली लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट करनी है, आपका रिज्यूम अपलोड करना है, ठीक है। आप यहां पर कोटक महिंद्रा की बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहां पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या होगा, यहां पर आपको यहां पर जॉब कार्ड में जाना होगा, माई जॉब कार्ड में जाना होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहां पर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, या फिर आप न्यू यूजर पे भी क्लिक करके आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर काफी सारी और नई वैकेंसीज आने वाली है, तो जल्द से जल्द अपना आईडी क्रिएट कर लें, जैसे आप यहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे नई वैकेंसी के लिए तो आपको यहां पर कॉल आ जाएगी। तो ये थी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।